बारह के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। यहाँ से वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस यल्त्सिन। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में। निम्नलिखित में पारस्परिक सुरक्षा की नीति का तत्व उपरोक्त सभी, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त कर दिया तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की। आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र के निर्माण की। गुट निरपेक्षता का सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज लिस्का ने। यदि हम बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ब्रिटेन यूनियन उदय मैट्रिक संधि के फलस्वरूप, यहाँ से 6 वर्ष जाएगा। वैश्विक बाजार हरी सिंह और 15 मार्च 1950 समग्र कृति के क्रांति के प्रतिपादक जय प्रकाश नारायण थे। अब स्क्रीनशॉट लेना है। जोड़ी जो है सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप, तो इसका आ जाएगा 1979। और दूसरे का जो मिलान आ जाएगा आपका यहाँ पर विषाणु द्वारा, और 1992 का पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। और स्वर्ण मंदिर का जाएगा हर मंदिर साहब अथवा दरबार साहब। के एन राज का जाएगा आपका यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। करगिल संघर्ष भारत पाकिस्तान दर आयोग का आपका हो जाएगा यहाँ पर 1948। ये यहाँ से आपको कंप्लीट करना है इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष हो गया चार्ल्स मिथले। सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। और 1947 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और यहाँ से प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कलेकर। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशों क्या थी? पिछड़े वर्ग को आरक्षण। यहाँ से बात करें तो ये इतना कंप्लीट करना है आपको। यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण है, सत्य है। यहाँ से दूसरा गलत रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा गलत, पाँचवा गलत और छठा आपका बिल्कुल एकदम सत्य रहने वाला है। यदि हम बात करें ट्रू फॉल्स की तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। सोवियत प्रणाली क्या थी? लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है भैया। इसके बाद में संयुक्त संपदा क्या है? 3 उदाहरण भी दीजिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान है। नियोजन का अर्थ और उसके 2 उद्देश्य लिखिए। नीति आयोग के प्रमुख कार्य बताने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ग्रैंड आयरलैंड क्या से है? श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री। गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुआ? अशांति, आंतरिक अशांति की दशा में उद्घोषित आपातकाल के 2 प्रभाव लिखने हैं। राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है? यहाँ से अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्याएं लिखिए। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। सोवियत प्रणाली के कोई 3 अवगुण या दोष। चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम निकले? यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 18 आइए 19 ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, ठीक है भैया। आगे की बात करें है ना, तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 4 उद्देश्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य। भारत की प्रमुख परमाणु नीति की विशेषताएँ। भारतीय विदेश नीति। और ये क्षेत्र असंतुलन के कोई 4 कारण आपको बताने। तो ये मैंने आपको